उदयपुर के सायरा थाना इलाके में वृद्ध महिला को पीट पीट कर मौत के घाट उतारने के मामले में उदयपुर एसपी भुवन भूषण यादव ने पूरे मामले का किया खुलासा। दरअसल उदयपुर के एसपी कार्यालय में एसपी ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है कि आरोपी खुद को शिव का अवतार मानते हुए महिला की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे अंदाजा था कि वह महिला के मरने के बाद महिला को फिर से जीवित कर सकता है। एसपी ने बताया कि अचानक शराब के नशे में धुत व्यक्ति के मन में विचार आया कि मैं शिव का अवतार हूँ। इस दौरान आरोपी महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी। कुछ ही दूरी पर एक आदमी बकरी चरा रहा था। इस दौरान दो अन्य नाबालिग भी बकरी चरा रहे थे तो घटना का वीडियो बनाते रहे। हालांकि तीनों व्यक्तियों ने मारपीट कर रहे आरोपी को रोकने का प्रयास नहीं किया, सिर्फ वीडियो बनाते रहे। लेकिन जब आरोपी का शराब का नशा टूटा तो उसने बताया कि उसे यह अनुमान था कि महिला को मारकर वह फिर से जीवित कर सकता है। एसपी ने बताया कि मृतक महिला अपने पियर जाने के लिए निकली थी, लेकिन बीच रास्ते में ही प्रताप सिंह मिल गया जो कि पूरी तरह से शराब के नशे में धुत था। महिला खेत के रास्ते अपने पियर जारोली जाने के लिए पैदल घर से निकली थी, लेकिन मृतक महिला के परिजन को सूचना मिली कि महिला खेत में लथपथ खून की अवस्था में पड़ी हुई है। लेकिन शाम को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आरोपी प्रताप सिंह महिला को मारता हुआ नजर आया। इसके बाद महिला के बेटे ने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। इस मामले में मुख्य आरोपी सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें दो नाबालिग बच्चों को भी पकड़ा गया है जो कि इस पूरी घटनाक्रम का वीडियो बना रहे थे। महिला की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है त्रिपाल गांव के पास। जब SHO मौके पे पहुंचा और पूछताछ की तो पता चला कि ये काल की बाई गमेती जिनकी उम्र 85 वर्ष है उनकी डेड बॉडी है। अनुसंधान प्रारंभ किया गया। प्रारंभ करने के बाद कुछ देर बाद पता चला कि एक वीडियो भी ऐसा है जिसमें इस लेडी को एक आदमी मारते हुए दिखाया जा रहा है। उस वीडियो देखा गया। वीडियो देख के वह टीमें रवाना की गई और कल शाम को ही उस व्यक्ति को जिसका नाम प्रताप सिंह है जो वहीं का रहने वाला है उसको डिटेन कर लिया गया। इसके अतिरिक्त वीडियो में जो अन्य व्यक्ति हैं वो पता लगाया गया उनका। उसमें एक नाथी सिंह नाम का एक अन्य व्यक्ति था जो पास उस वीडियो में दिखाई दे रहा नहीं दे रहा ये मुझे नहीं पता, और उस घटनास्थल पर मौजूद था उसको भी डिटेन कर लिया गया। उससे भी पूछताछ जारी है और दो अन्य नाबालिग व्यक्ति बच्चों को जिन्होंने वीडियो बनाया है उनको भी पूछताछ की जा रही है। उनका भी पता लग गया है, उनसे भी पूछताछ अभी जारी है। ये चार लोग थे जो घटनास्थल पर मौजूद थे और इन सबसे अभी पूछताछ की जा रही है। सबके सबको एक बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जो वारदात का जो उन सबसे पूछताछ में जो प्राइमरी अभी जो कहानी सामने आई है वो ये है कि ये जो व्यक्ति प्रताप सिंह है ये शराब के नशे में बहुत ज़्यादा धुत था और ये महिला अपने पीहर जा रही थी। वो सुनसान एक जंगल टाइप इलाका है गाँव के पास, गाँव से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर, और वहाँ पर जब इसने उस व्यक्ति महिला को आते हुए देखा तो इसके मन में पता नहीं कहाँ से ये विचार आया कि मैं भगवान शिव का अवतार हूँ। और उसने ये बोलते हुए उस महिला से बातचीत चालू करी। इतने में जो पास में एक बकरी चरा एक जो गाय लेके आदमी आया था नाथू सिंह जिसका नाम है वो भी पास था, तो उसने शुरू में तो सोचा ये मजाक कर रहा है। फिर जब उसने उससे मारपीट चालू की तो उसने शुरू में उसको रोकने का प्रयास किया पर वो नहीं माना। इतने में जो दो लड़के और बकरी चरा रहे थे वो भी अलग अलग ही अपने स्थानों पर आए हुए थे, तो उन्होंने दूर से देखा तो उन्होंने वीडियो बनाना चालू किया और वीडियो बनाते बनाते वो उसके पास आ गए और उन्होंने भी एक बार थोड़ा सा रोकने का प्रयास किया पर उन्होंने किसी उन तीनों व्यक्तियों ने किसी ने भी उसको रोकने का प्रयास नहीं किया, वीडियो बनाते रहे। और वो आदमी का जब बाद में पूछताछ की गई जब उसे शराब का नशा कम हुआ तो उसने बताया कि उसको कहीं से उसके मन में ये बात आ गई कि वो शिव का अवतार है, उस लेडी को मारेगा और मार के उसको वापस जीवित कर देगा। तो उसने मार तो दिया, जीवित होने की तो कोई बात थी नहीं। न्यूज़ वीडियो के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप।